बेबी जी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. मैं कैसे ढूंढूंगा आप सबको? दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनाई तो दे रहा है ना. सब कुछ भूलकर बस अपने आसपास की आवाजों को सुनो. ध्यान से सुनोगे ना तो तुम इन आवाजों को भी छू पाओगे. हवा की सरसराहट, कदमों की आवाजें और हमारे दिल की धड़कन, ये सब सुनाई देंगे तुम्हें. अगर हमें खरोच तक भी आई ना तो रघु तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं. छोड़ेगा नहीं वो तुम दोनों को. शिवानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मुर्दे किसी से बदला लेने के लिए वापस आ सकते हैं? पर वैसे भी तुम्हारा ये रघु है ना, उसका दिमाग ना नौकरों जैसा है. सोचने समझने की ताकत नहीं है उसमें, बस हुक्म मानना जानता है. आज मैंने उसे मौत के मुंह में भेज दिया और वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, वो चुपचाप वहां चला गया. कहां भेजा है रघु को? कहां भेजा है हमारे रघु को? बताओ हमें, माधवी जी प्लीज बताइए कहां गए हमारा रघु. कुछ तो बोलिए, कहाँ है रघु? मचा, बंद करो. जहां पर मैंने रघु को भेजा है ना, वहां पर किसी की भी आवाज नहीं पहुंच सकती, कभी भी नहीं पहुंच सकती. रघु मर चुका है शिवानी. नहीं, नहीं, रघु नहीं मर सकता. हमें हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है. तुम दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, कुछ भी नहीं. जितना चीखना चाहती हो चीखो, लेकिन अब तुम्हारा रघु वापस नहीं आएगा. रघु! रघु! रघु!
क्यों कर रहे हो ये हमारे साथ? हमने और रघु ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? शिवानी, तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम तो हमारी जिंदगी को सवार रही हो। हमें तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ शिवानी, तुम नहीं जानती कि हमारे लिए कितनी कीमती हो। बहुत कीमती हो। हमारे पास सब कुछ है शिवानी, नाम, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी अधूरी। लेकिन आज शिवानी, आज तुम हमारी इस अधूरी जिंदगी को पूरा करोगी। हाँ, पूरा करोगी तुम। क्या मतलब है आपका? क्या चाहिए तुम्हें हमसे? हम किसी कमी पूरी कर सकते हैं? बच्चे की कमी? हाँ, बच्चे की कमी। तुम जानती हो तुम हमारे लिए इतनी खास क्यों हो? क्योंकि तुम एक कुंवारी दुल्हन हो। हम जानते हैं कि तुम और रघु आज तक अपनी शादी को अंजाम नहीं दे पाए। हम आपको कैसे बताएं माधवी जी, किस्मत में हम दोनों को इस बंधन में जोड़ तो दिया है, लेकिन एक पति और पत्नी के बीच जो करीबी होती है वो हम दोनों के बीच अभी तक नहीं है। और जैसे ही हमें इस बात का पता चला, हमने फैसला कर लिया कि अपने इरादे को पूरा करने के लिए हम तुम्हें अपने घर लाएंगे। और इसीलिए मैंने तुम्हें और रघु को उस चौल से निकलवा दिया था। बहुत सालों से हम तुम्हारे जैसी दुल्हन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबा जी ने कहा था कि बस एक बार वीर अगर तुम्हारे जैसी किसी कुंवारी दुल्हन के साथ संबंध बनाएगा तो फिर मैं भी मां बन सकती हूं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारा यकीन है। हमें भरोसा है हमारे पूज्य बाबा जी पर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गया तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम कैसे कर सकते हो हमारे साथ ऐसा? भूल गए तुम? हाँ, भूल गए कि रघु ने तुम्हारी जान बचाई थी। इसलिए तो रघु आज तक जिंदा है शिवानी, वरना कब का उस आदमी की तरह रघु भी मेरी गोली का शिकार हो जाता। तुम जानना चाहती हो कि वो आदमी कौन है? मैं बताता हूं, वो आदमी मेरी कंपनी में काम करता था। उसकी बीवी को सुहागराज से पहले मैंने अगवा कर लिया था, ताकि बाबा जी के मुताबिक हमें एक बच्चा मिल सके। लेकिन उस बेवकूफ औरत ने जाके खुदकुशी कर ली। यह आदमी मेरे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहा था। शायद हमारी सच्चाई बताने के लिए उसने तुम्हें मनी स्क्वायर पर भी बुलाया था, राइट? लेकिन क्या हुआ उस बेचारे को? कोमा में पड़ा हुआ है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। घटिया लोग हो तुम दोनों, घटिया कितने गिरे हुए हो।
इतनी गिरी हुई घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो तुम दोनों? शिवानी, तुम ये सब नहीं जानती, समझी? एक औरत की ये समाज और खुद उसका परिवार क्या हालत करता है जब वो शादीशुदा होने के बाद भी मां नहीं बन पाती। चैन से जीने नहीं देते उसे, और मैंने औलाद पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने डॉक्टर्स के गए लेकिन सब जगह बस एक ही जवाब मिलता कि हम दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। लेकिन हमारे बाबा जी कहते हैं कि ये सब झूठ है, हमें औलाद होगी, उस औलाद को पाने के लिए मैं और वीर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या क्या एक औलाद पाने के लिए तुम क्या खून करोगे किसी का, जान लोगे किसी की? अरे वो औरत किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की बहू थी वो। शर्म करो तुम दोनों, अंधे हो गए हो तुम दोनों, पागल हो गए हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुम दोनों को। और अगर तुम्हें औलाद मिल भी गई ये सब घिनौनी हरकतें करके, अगर तुम मां बन भी गई तो अपनी औलाद को क्या शक्ल दिखाओगी? हाँ, क्या शक्ल दिखाओगी तुम? उस औलाद को तो क्या कुत्ते भी नफरत करने लगोगी? बंद करो अपनी बकवास माधवी, तुम जाओ यहां से, मुहूर्त निकला जा रहा है, जाओ। माधवी जी नहीं, माधवी जी प्लीज, एक औरत होकर आप दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती है? हम भी आपकी सिर्फ पत्नी है किसी की, प्लीज माधवी जी हमारे साथ ऐसा मत होने दीजिए। माधवी जी प्लीज ऐसा मत होने दीजिए, छोड़ो हमें। चुप, बस मैं हूँ और तुम हो यहाँ पर, अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। बाबा जी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस कठोर रास्ते पर चल सकूं। अगर ये रास्ता सही है तो फिर मेरा दिल काम क्यों रहा है? एक औरत होकर आप दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती है? हम भी आपकी सिर्फ पत्नी है किसी की, प्लीज माफ़ कीजिए, हमारे साथ ऐसा मत होने दीजिए। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, दर्द नहीं, इन चोटों से सुकून मिल रहा है मुझे। सुकून की मैं आखिर अपनी हिम्मत से आपके इलाज के लिए पैसे जुटा पाया। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम वापस अपने घर लौट सकेंगे। लीजिए हो गया, लेकिन दो तीन दिन तक पानी मत पड़ने दीजिएगा। देन आफ्टर यू विल बी ऑल राइट। जी, थैंक यू डॉक्टर। या, टेक केयर। खुद को चैंपियंस कहते हो ना, और एक आदमी को नहीं मार सके? तुम्हें रघु को जान से मारने के लिए कहा था मैंने, क्या किया तुम लोगों ने? अब मैं
आगे जवाब दूंगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। ये क्या हो रहा था? क्या बोल रही थी आप? हाँ, मुझे मरवाना चाहती थी आप मुझे? क्यों? नहीं रघु, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। मैं तो झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। मैंने खुद सुना ये सब आपको बोलते हुए। मुझे बताइए सच क्या है, सच क्या है मुझे बताइए। रघु तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं भला तुम्हें क्यों मारना चाहूं? खेल मत खेलिए आप मेरे साथ, साफ साफ बोल रहा हूं। अब जो भी अगली बात आपके मुंह से निकलेगी ना, अगर वो सच नहीं हुई तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगा। ये सब धंधा गैर कानूनी है, हम सब अच्छे से जानते हैं। मैं जेल जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन आप में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखिएगा। सच बताइए मुझे, बताइए। देखो रघु, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे किसी ने 1 करोड़ रुपए दिया था तुम्हें मारने के लिए। मुझे मारने के लिए? किसने? किसने? मैंने पूछा किसने? वीर प्रताप। चिल्लाओ, इस कुएं के बाहर तुम्हारी आवाज जा ही नहीं सकती शिवानी। मेरे पास आओ। दूर रहो हमसे, दूर रहो हमसे, कोई है बचाओ। मर चुका है तुम्हारे रघु, अगर वो वापस आ भी गया ना तो इस जगह के बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं तुम? मर चुका है वो, मर चुका है तुम्हारा रघु। नहीं मरा है वो, नहीं मरा है रघु। जब तक हमारी सांसें चल रही है रघु जिंदा है, जिंदा है वो। चुप, छोड़ो हमें। अब तुम सिर्फ मेरे हो। छोड़ो रघु। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। रघु, रघु, रघु। Cha-cha-ra-vinash
शकरम नमामि।